So when Ramu told the script, what's your first opinion, first reaction? My reaction. It's not a normal story. Yes, yes, yes. It's very different, and my reaction was, I was really happy that I can get a different script, and it's very difficult to grab a script like that, and wherein you're representing a lesbian couple, and I think I strongly believe that they are sidelined by the society, and they're not equally, their love is not equally celebrated or equally respected. So when I got an opportunity to do that, I think I considered myself very lucky, and I grabbed the opportunity, and I was very happy to do a role like that. Yes. That's great. Yes. So what's your reaction when you heard the story from Ramu? Starting a little bit uncomfortable because मेरा thinking था कि I mean public क्या कहेंगे या society क्या कहेंगे या something because बहुत अभी भी something थोड़ा सा mentality अभी भी ऐसा है कि ऐसे subject में project करना means थोड़ा सा uncomfortable करते but मैंने देखा कि my friends family and बहुत सारे लोग मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया है बिकॉज अभी वेब सीरीज़ आने के बाद बहुत चेंज हुआ है स्टोरी में पहले था कि आई मीन लिटिल बिट लव स्टोरी हीरो हीरोइन का बट ऐसे सब्जेक्ट पब्लिक पसंद भी कर रहे बिकॉज बहुत जैसे आयुष्मान ने किया राधिका ने किया ऐसे सब्जेक्ट लोग पसंद भी कर रहे एंड लोगों ने उन आई मीन इतने बड़े बिग हीरो है हीरोइन है सो मुझे ऐसा लगा कि एज अ एक्टर कि अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर में प्ले करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा रिसर्च करने का मिलेगा कि मुझे कितना एक्टिंग आता है बिकॉज आई नो कि मुझे लव स्टोरी या एक्टर के साथ परफॉर्मेंस मिल जाएगा बट एक गर्ल्स के साथ रोमांस करना परफॉर्म करना वो भी एक चैलेंज है स्पेशली मेंटली स्ट्रांग होना सो सबने बोला कि अगर यू आर एक्टर तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट मिले अगर तुम्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट वेरी स्ट्रांग है परफॉर्मेंस ओरिएंट है तो तुम्हें करना चाहिए बिकॉज ये मेरा जॉब है सो मुझे लगा कि ऐसा सब्जेक्ट में मुझे भी काम करना चाहिए देन